और मेरी छोटी बहन को बाल पकड़ के 2-3 मारे भी हैं, और बोल अब्बू के पास फिर हम फोन किए, बोले ऐसे ही सिपात हो गई है, मेरी बहन को छोटी को मारे हैं। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि तुम लोगों का यहाँ पे क्या है, तुम लोग क्यों आए हो इसीलिए। और 24 साल हो गए मेरी माँ की शादी हुई है। हाँ, अब्बू से फिर तकरीबन मैं 7-8 साल का था। हाँ, तब से अब्बू जो दूसरी औरत को लेके घर पे आते थे तो अम्मी कुछ बोलती थी ना, तो अम्मी को भी मारते थे और हम लोगों को भी मारते थे। ये नहीं देख रहे थे 12 बज रहा है कि 1 बज रहा, रात में बाहर निकाल देते थे। तो फिर कहाँ इसी की वजह से विवाद हो गया, तो हम लोग अपने नाना नानी के पास रह रहे थे। फिर वहीं पे अम्मी सिलाई भी करती थी और अब मैसेज जो हो सका मतलब गाड़ी वाड़ी चला रहा था और उसी से थोड़ा बहुत। फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों की वजह से इतना तकलीफ हो रही सबको, अम्मी को और सबको भी, तो क्यों ना चल के मतलब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि खुदकुशी करें, आत्महत्या करें। इसीलिए हम लोग प्लान बना के चले गए। बिढ़ार पुल पे मिले जो है, वहाँ मैं अपने दोस्त की मिट्टी में गया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बच्चे जो है 2 बार प्रयास कर रहे हैं कूदने का। मैं नीचे से अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, पब्लिक का वहाँ भीड़ देखा, मैं जाकर के वहाँ पहुँचा तो इन लोगों को पकड़ करके लाया, काफी देर बैठाया उठा दुकान में बैठा करके इनकी जब समस्याएं सुना जो है, तो हमने इनसे जो है कहा कि बेटा ऐसा है कि आदमी अगर संघर्षी ना हो तो जीवन में उसे न्याय नहीं मिलेगा। माना कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास सहयोगी नहीं, मददगार नहीं है, और मैं आपको लेकर के चलता हूँ जिले के जिला अधिकारी महोदय के पास, मैं उनसे जो है न्याय की फरियाद करूंगा और आप लोगों को न्याय मिलेगा।